अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश और शाद आबाद होंगे। आज मैं छोटे बच्चे का, आप इसको कह लें स्लीपिंग बैग कह लें, ब्लैंकेट टाइप कह लें, कुछ भी कह लें, वो लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इसकी ऐसे बच्चे का यहाँ हेड जाएगा, ये मैंने यहाँ से सी दिया है। और ये एक मैंने छोटे साइज का बेबी, 2-3 साइज का बेबी बॉडी सूट लिया था। इस तरह बच्चे को पहना के आप उसका हेड ऐसे और ये पूरा आप ऐसे, ये देखिए यहाँ से बटनों से ऐसे बंद हो जाएगा, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइडों से। और ये इसकी ऐसे बैक साइड है, ये देखें, ये देखें, है तो ये ब्लैंकेट टाइप ही आप कह लो, क्योंकि बच्चों को इस तरह जरा थोड़ा सा होल्ड करना इजी हो जाता है। अगर आप इसी तरह इसको बच्चे का पहना के बेबी कॉट में या कहीं भी पोस्चर में, प्राम में, यहाँ भी आप इसको करो तो ये बच्चा थोड़ा सा कवर्ड रहेगा, ठीक है। और इसके बटन यहाँ से खुल भी ऐसे खुल सकते हैं, ऐसे खोल के। अगर आपने थोड़ा सा बड़ा साइज करना है तो आप इस बटन में इसको बंद कर लें ऐसे दोनों साइडों से। और वैसे आइडली आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने थोड़ा बनाया है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने बनाते हुए आपको बताऊंगी, ये मैं इतना चौड़ा पट्टी ही बनाना चाह रही थी लेकिन मेरे पास वूल ख़त्म हो गई इसकी, क्योंकि आपने देखा इससे पूरा रिलेटेड सेट मैंने पूरा बनाया था इससे पहले, तो बस वो वूल मेरे से कम हो गई। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, 2 बॉल तो इसको 100 के 2 बॉल इसको लगे हैं और ये 50 ग्राम ये लगा था, ये मेरे पास थोड़ा सा 50 से लेस था तो इसलिए कम हो गई, वरना मैंने इधर भी इसको यहाँ तक बना के इसको थोड़ा सा नीचे रखना था यहाँ, यानी कि इतना मुझे, मैं चाह रही थी थोड़ा सा। अभी ये पूरा होगा, ये जब आप पूरे बटन खोलोगे पूरा होगा, लेकिन मैं इतना मेरा आगे से ब्लू होता, ठीक। तो आपको मैं बनाते हुए मैंने बताया है कि आप इसको कैसे बड़ा कर लें और एक एक और बटन होल भी यहाँ पे लगा लें, ताकि थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही अच्छा होता है। वैसे तो ये देखिए 2-3 साइज़ की ये मेरे पास पूरा बेबी सूट है। मैं इसको खोलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चे के वैसे तो बिल्कुल पूरा होगा, लेकिन फिर भी इतनी जब मेहनत की है तो थोड़ा सा बड़ा साइज ही होना चाहिए। ये देखें यहाँ तक बेबी के, ये बिल्कुल इसके पूरा होगा, ये उसके पांव ऐसे, ठीक। तो थोड़ा सा मुझे ये होता है कि जब इतना हार्डवर्क किया थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि बच्चा यानी कि 9-10 महीने तक इसको यूज़ कर सके। वैसे भी इसका ये एक फ़ायदा है कि अगर आपका बेबी बड़ा है हो गया है और ये ब्लैंकेट आपको, आप इसको एक नीचे लेस बटनों में से बंद करना शुरू कर दें, बेबी को पूरा जंपर कार्डिगन बनाए और उसकी ये टांगे और पीछे से बैग पूरी कवर होगी, ठीक है। तो चले अब मैं आपको वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि मैंने इसको बनाते हुए बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस प्रोजेक्ट को भी लाइक करोगे, और लाइक करोगे फिर लाइक का बटन तो बनता है, और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, ताकि यार आने वाले टाइम में आपको मेरी मोर वीडियो भी मिलती रहें। ओके जी, चले बनाना सीखते हैं। ये मैंने स्लीपिंग बैग जो बना रही हूँ उसकी ये पूरी लेंथ मैंने इसको पूरी कर ली है। ये कितनी हुई है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर यहाँ से मैं इसको करना जाती हूँ, करती हूँ ये यहाँ, जी ये 45 इंच तक ये लंबा बना है, ये 45 इंच, ठीक, काफ़ी बिग साइज ऐसे हुआ है। और इसको इस तरह है कि जब हम, मैं इसको ये ऐसे यहाँ से सिलेगा, जब ये ऐसे सिल जाएगा, ठीक, और ये मेरे पास एक मैंने 2-3 ये मंथ की एक बेबी सूट बाय किया हुआ है। तो मैं इसको जैसे यहाँ बच्चे का हेड जाएगा ये, और ये जब अगर पहनाओ ऐसे ये बाजू ये पूरा यहाँ, और ये देखें यहाँ से अगर इसको बच्चे को पहना के आप प्राम पोस्चर की, ये एक इस तरह आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि यहाँ तक अभी इतना चौड़ा बॉर्डर बनना है, ठीक। ये पूरा बच्चे को कवर करेगा ऐसे, ये थोड़ा सा देखे मैंने खुला बनाया है, ताकि इतनी मेहनत की है तो बच्चा कम से कम 6-9 माह तक तो इसको यूज़ करे ना।
यानी कि आप इसको पहना के ऐसे बंद करके बच्चे को ये जो प्राम स्टोलर पुस्टियर्स हर इलाके में इसको डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, आप उसमें ऐसे बच्चे को बिठा सकते हो आसानी से। तो वो क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब उनको स्कूल छोड़ने जाती थी और जो छोटा बच्चा पुस्टियर पे होता था सारा टाइम मुझे उसका ब्लैंकेट ठीक करना पड़ता था, क्योंकि वो एक टांग से वो ब्लैंकेट दूर, सर्दी यहाँ यूके में बहुत होती थी तो सारा टाइम बस सारा दिन बच्चे को फोल्ड करने में। तो ये बेहतरीन तरीका अगर आप बना लेते हो, नहीं तो हमारे गांव में या शहरों में भी इवन के रिवाज है कि चारपाई के साथ बच्चे का एक झूला सा बना लेते हैं जिसमें सुलाते हैं, तो ये पहना के आप उसको झूले में सुला दो तो बच्चा वार्म रहेगा, ये सब कुछ ये बहुत यूजफुल है, बहुत अगर आप बनाओगे तो उसको काफ़ी इसका बेनिफिट होगा आपको। तो चले मैं आपको बताती हूँ ये मैंने इसको कैसे बनाया है, इतना मैंने बना लिया है, अब इसका फर्दर मुझे और क्या काम करना है। जो लगी है ये मैंने 2 बॉल लिए थे 100 100 ग्राम के, ये सारा यूज हो गया, सिर्फ इतने से बची है। ये 45 सेंटीमीटर बनाने के लिए 200 ग्राम में से सिर्फ इतना बचा है, ठीक है ना। तो बाकी मुझे साइड पे जो बॉर्डर बनाना है इतना इतना चौड़ा, तो अगर आपने सेम कलर का बनाना है तो उसको आपको 200 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरे सेट के साथ इसको चल रही हूँ तो मेरे पास ये पहले वाला जो मैंने पूरा सेट बनाया और आपने यकीनन देखा भी होगा तो उसमें से ये लेफ्ट ओवर है, तो मैं इसका सारों से बॉर्डर बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको यही बस बताना चाह रही थी कि वूल इसको तकरीबन आप ये कह लें कि 250 के पास पास, 250 ग्राम के पास पास लगनी है। इसमें मैंने 81 स्टिच डाले हैं जिसमें एक साइड का है और यहाँ से यहाँ तक ये 16 है, यानी कि ये जो एक बनी वो कैसे, दो ये हैं छोटी केबल के, दो का गैप, तीन ये किस केबल के, दो तीन दो ऐसे, और ये फिर छोटी केबल, और मिडल में ये मैंने 5 स्टिचेस को ऐसे बस सीधा सीधा बनाया हुआ है इनको थोड़ी सी पार्टीशनिंग देने के लिए। फिर ये एक 16 की दो ऐसे चलती आ रही है, फिर 5 इस तरह 4 टाइम, ये 1 2 3 4 टाइम ये 16 16 हुए हैं और दरमियान में ये 5 5 का ये गैप आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको लिख ये यहाँ लिख भी दिया है, ये दो ये वन साइड का, ये वन साइड का दो मैंने छोटी केबल, दो उल्टे ये गैप के दो उल्टे, फिर ये 3 की केबल, फिर दो उल्टे गैप के, फिर 3 की केबल, फिर दो उल्टे गैप के, और ये 2 छोटी केबल के, ये इस तरह 16 हो जाते हैं, फिर मिडल में 5 गैप, फिर एक और 16, फिर 5 16, फिर 5, फिर 16, और साइड में 1 1 एक्स्ट्रा, इनको अगर आप सारों को ऐड करो तो ये 81 बनते हैं स्टिच, ठीक। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी होगा क्योंकि साइडों पे अभी बॉर्डर बनना है तो ये और मोर खुला हो जाएगा जब मैं दोनों साइडों पे इतना इतना चौड़ा चौड़ा बॉर्डर बनाऊंगी। अब इसको आपको मैं इसका पैटर्न सिखाती हूँ, उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन में बनाती हूँ, फिर आप उसी को बार बार ऐसे रिपीट कर लीजिएगा, 1 2 ऐसे रिपीट कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने ये 22 स्टिच डाले हैं, 22 मैंने स्टिच डाले, डालने के फौरन बाद मैं इसकी पार्टिशनिंग करने वाली हूँ, ये क्योंकि सीधी साइड ये मैं मानूंगी, उल्टी साइड ये है, जैसे ही आप स्टिच डालते हो तो उल्टी साइड से ही पार्टिशनिंग कर ले, मैंने यहाँ से शुरू करना है तो पहले ये मेरे 5 सीधे सीधे होंगे, इसको मैं 5 को वैसे ही सीधे बना लेती हूँ, ठीक है। 5 1 पहले वाला मैंने बना लिया, 2 3 4 5, ठीक 5 हो गए। उसके बाद दे 2 छोटी केबल के हैं, ये यहाँ सीधी है तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैं 2 उल्टे बनाऊंगी, फिर 2 यहाँ उल्टे हैं, इट्स मीन यहाँ पे 2 मेरे सीधे बन जाएंगे, 1 एंड 2। 3 केबल के इधर सीधे हैं तो इस साइड पे 3 उल्टे बनेंगे मेरे, 1 2 3, फिर 2 सीधे, 1 2, फिर 3 की ये केबल, 1 2 3, फिर ये 2 सीधे, 1 एंड 2, ओके।
और उसके बाद दो छोटी केबल वन एंड टू, और एक एक आप साइड से लोगे, ठीक, एक इस साइड से ले लोगे एक्स्ट्रा, एक इस साइड से लोगे, दोनों साइडों से एक एक एक्स्ट्रा लोगे। अब मैं ये सीधी साइड पे आ गई हूँ, ठीक, इसका पहला मैंने वैसे बना लिया। अब ये जो छोटे दो बनाए थे इनकी अब मैं बनाने लगी हूँ केबल, ये मैं पहले वाला ऐसे ही बना लूँगी, और ये दो छोटी केबल जो है इसका मैं पीछे से बनाऊंगी, बनाने के बाद ये मैं ऐसे फ्रंट से बना लिया, ठीक। अब है दो उल्टे वैसे ही बनेंगे, पर अब आगे तीन की केबल। इस दफा तीन की केबल में हम ये करेंगे, मैं वन एंड टू मैंने बना लिया, थर्ड वाल को बनाया, फिर मैंने धागे को ऐसे ओवर करने के बाद एक दफा बना लिया, एक के मैंने तीन कर लिए, ठीक, दो उल्टे। फिर अगली केबल के तीन में से मैंने वन टू ऐसे ही बना लिए, थर्ड को बनाया, छोड़ा नहीं, यॉन ओवर की, फिर एक दफा बना लिया, ये के तीन हो गए, ठीक। फिर दो गैप के। अब ये दो जो छोटी केबल है वो इस दफा फ्रंट से मैं उठाऊंगी, डिजाइन के स्टार्ट से मैंने ये देखो इधर को करना है इसको अच्छा सा पैटर्न देने के लिए। पहले मैंने बैक से उठाया था, इस दफा मैं फ्रंट से उठाऊंगी ताकि इसका केबल का फेस डिजाइन की तरफ हो। ये करने के बाद मैंने इसको बना लिया। अब अगले पांच जो मेरे वो वैसे ही सीधे सीधे हैं, तीन चार एंड पांच, ठीक। ये देखे यहां से यहां तक मेरा, ये यहां से यहां तक बन गया। फिर दोबारा उसी तरह आपने रिपीट करना शुरू कर देना है। जब आप ज्यादा बड़े स्टिच डालोगे, 81 स्टिच डालोगे, तो उसको उसी तरह, उससे भी अगर आपने इससे भी चौड़ा ब्लैंकेट बनाना है तो उसी तरह इसको ऐड करते चले जाएं, बड़ा करते चले जाएं, ठीक। अब मेरी ये पहले पांच, तो पांच तो मेरे सीधे सीधे मैंने वैसे ही बना लिए, उल्टी सिलाई पे ये जो ऐसे सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। बस ये केबल के जो मैंने एक का तीन किया था उसको बगैर बनाए मुझे इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है, और फिर ये दो, फिर इस केबल को बगैर बनाए मुझे इस तरह शिफ्ट करना है, ठीक है। फिर ये दो, और ये दो छोटी केबल। अब जो स्मॉल केबल है वो तो एवरी सीधी सिलाई पे बननी है, ये वाली जो है ना वो छह सिलाइयों के बाद रिपीट होती है, ठीक है। अब पहले मैंने पहले वाले स्टिच को तो मैं ऐसे ही उठा लूंगी, ये ऐसे था, मैंने इसको पीछे से उठा के ऐसे कर लिया, ठीक। अब ये केबल फिर बननी है, इसको फिर मैं पीछे से बनाऊंगी, बनाने के बाद ऐसे, ठीक। अब दो मेरे उल्टे आ जाएंगे, वन एंड टू, फिर उल्टे। अब मुझे केबल को ऐसे ट्विस्ट करना है, वो कैसे, मैं इन तीन को इधर करूंगी, बैक से मैं ऐसे करूंगी, उठाऊंगी दो को, और ये छोड़ने के बाद मैं इनको ऐसे लेके तो इनको तीनों को सीधे बना लूंगी, एंड थ्री, ये देखो ऐसे, ठीक। अब फिर मेरे दो गैप के, फिर ये केबल ऐसे ही, ऐसे, ये ऐसे करने के बाद ये ऐसे आएगी, ये, और ये मैं ऐसे बनाऊंगी, और ये दो मेरे गैप के। अब ये छोटी केबल इस दफा मुझे ऐसे फ्रंट से बनानी है, पहले मैंने बैक से बनाया था, फ्रंट से बनाना है, ठीक। और ये तीन सीधे, तीन नहीं, ये पांच सीधे, ठीक। अब उल्टी सिलाई उसी तरह, जो सीधे हैं वो मैं सीधे डालूंगी, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे डालूंगी, इसमें अब कुछ नहीं हमने करना। ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो हर दफा सीधे सीधे ही आने हैं, ये दो उल्टे,
दो सीधे तीन उल्टे, वन टू एंड थ्री उल्टा, वन एंड टू सीधे, फिर तीन उल्टे, फिर दो सीधे, फिर वन टू उल्टे, और ये साइड वाला वैसे ही। ठीक, ये हो गया। अब अगली दो सिलाइयां भी हमने जो वैसे ही बनानी है, इसमें अभी कुछ हमने नहीं करना। ये मैंने ऐसे उठाया, बस हर दफा ये केबल जरूर, छोटी वाली केबल हर दफा ट्विस्ट होनी है। ऐसे करने के बाद इसको ऐसे, दो उल्टे, अब ये वन टू थ्री ऐसे ही सीधे, फिर ये दो उल्टे, फिर वन टू थ्री सीधे, दो उल्टे, और ये वाली केबल इस दफा फ्रंट से, और ये आप ऐसे वन टू, ये ऐसे। ठीक, अब अगली सिलाई आपने उसी तरह, जो सीधे वो सीधे, जो उल्टे उल्टे, ये वाले जरूर पांच सीधे बनेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई डाल ली है। अब फिर हमने दोबारा से ये केबल के लिए करनी है, छह छठी सिलाई के बाद आप कह लें कि दोबारा से केबल करनी शुरू करनी है। ये फिर दो तो केबल ऐसे ही बनेगी, फिर दो उल्टे, ये अब केबल के लिए दोबारा केबल के मैंने दो बनाए, थर्ड को फिर मैंने एक किए यॉर्न ओवर की, फिर इसका तीन कर लिया। ठीक, अब मैंने ऐसे दो उल्टे, फिर वन एंड टू बनाया, थर्ड का मैंने ऐसे किया और ऐसे एक के तीन कर लिया, उसी तरह बाकी वैसे ही चलना है। फिर आप फ्रंट से, और ये फाइव चार एंड पांच वैसे, फाइव ये मैं ऐसे करूंगी, इनको ये वाला जो तीन है ये मैंने ऐसे उठा लिए, और ये दोबारा, यानी कि पैट दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया ना। ये तीन मैंने इसी तरह वैसे ही इधर शिफ्ट कर लिए, और ये दो, और ये दो। अब अगेन हमने केबल को ट्विस्ट करना है, ये पीछे से बनाऊंगी और ये करूंगी टू, फिर ये देखिए ऐसे मैंने पी किया, बैक से उठाया, ये उठाने के बाद ये इसको शिफ्ट करने के बाद मैंने इनको बना लिया, ये देखिए ऐसे। ठीक, अब फिर दो मैंने उल्टे, फिर उसी तरह ये मैंने उठाया, इसको पीछे से ये मैंने ऐसे बना लिया, और ये दो उल्टे, और ये इसी तरह ये बार बार केबल ने रिपीट होना है। ये देखिए, ओके, इसी तरह मैं उल्टी सिलाई, तो ये तो पांच सीधे बनेंगे, फिर जो सीधे हैं वो उल्टे बनेंगे, फिर नेक्स्ट सिलाई पे छोटी केबल तो मेरी एज इट इज इसी तरह बनेगी, बाकी मैंने दो सिलाइयां एक सीधी और एक उल्टी डालनी है। फिर मुझे केबल के लिए एक यहाँ दो बनाने के बाद एक के तीन करनी है। इसी तरह ये इस पैटर्न ने बार बार रिपीट होते चले जाना है। आई होप कि आपको समझ आ गई, वरना मैंने इस पैटर्न का पूरा सेट बनाया है। आप किसी भी मेरी वीडियो पे जाके इस डिज़ाइन को लर्न कर सकते हो, या इसी को बार रिपीट करके देख सकते हो। ये तो मैं, जैसे ये छोटा है, ये
काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन खुला मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। इसने काफ़ी, ये 14 इंच ये है और तकरीबन ये 17 इंच खुला हो जाएगा जब मैं साइडों पे बॉर्डर बनाऊंगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे स्लीपिंग बैग नहीं बनाना चाहते, चौड़ा ब्लैंकेट करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह ये 16x5 16x5 इसकी मोर रो ऐड करते जाएँ जितना आपने चौड़ा बनाना है। तो मेरे ख्याल में इतना अगर आप बनाते हो 22 23 का तो ठीक होता है। अगर आप मोर इसमें 3 या 2 ऐड करते हो तो काफ़ी हो जाएगी बॉर्डर के साथ। ये आपकी अपनी है कि आप किस साइज़ के बच्चे का बनाना चाहते हैं। ये तो मैं न्यू बॉर्न से लेके 0-3 साइज़ के बच्चे का स्लीपिंग बैग बना रही हूँ, लेकिन बना बढ़ा रही हूँ ताकि ये अप टू 6 से 9 मंथ तक बच्चा इसको कवर करे। ठीक है, ये मैंने 9 स्टिच डाल के सिर्फ सीधा सीधा बनाना शुरू कर दिया है। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इतना ही मेरे ख्याल में बॉर्डर काफ़ी होगा। अब मैंने ये किया था, जहाँ से ये मैंने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया था वहीं से मैं इसकी वन साइड से ऐसे इसको जोड़ना शुरू कर दूंगी। मैंने इसमें से धागे में, सुई में से ऐसे धागा डाल लिया, तो इधर को इसको मैं ऐसे इसको सीना शुरू कर दूंगी ऐसे। एक वन टाइम ये देखे मेरी, हर दफ़ा ये जो मैंने एक इधर से और एक इधर से, दोनों से एक एक तरफ से लेके एक 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 में ऐसे अब जब एक बात मैंने आपको बतानी है, जब मैं ये 4th टाइम ये मैं उठा लूंगी, ये यहां से ये हो गया 1 2 3 4, ये अभी मेरी 4th है। 4th के बाद मैं अगला जो होगा उसको मैं 2 को इकट्ठे उठाऊंगी ऐसे, 2 को 1 2 को, उससे ये होगा कि ये साइडों से ये बॉर्डर बराबर आएगा, वरना इसने खींचना है। इसका पैटर्न ऐसा है, एक देखे मैं इधर से लिया, मैंने ये 1 टाइम उठा लिया, ये मेरा 1 हो गया। ठीक, फिर मैंने इधर किया, ये मेरा 2 हो गया, 2 हो गया, ओके। फिर मैंने इधर किया, फिर ये 3 हो गया। ये जब मैं 4 कर लूंगी उसके बाद 5th पे मैंने ये 4 टाइम हो गया, ठीक 4 टाइम हो गया। अब मैं अगली दफा इन 2 को इकट्ठे उठाऊंगी, इनको और इसको, फिर मैं ऐसे ये फिर 1, ये 4 हो गया। अब मैं अगली दफा जब उठाऊंगी फिर 2 कट है। एवरी 4 दफा ऐसे स्टिच करने के बाद 5th टाइम मैं 2 को इकट्ठे बना लूंगी। इससे ना ये जब आप ऐसे बटन लगाओगे ना तो ये ज्यादा खींचेंगी नहीं, ऐसे बराबर बराबर ही आएगी ऐसे, वरना इसने ऐसे खींच जाना है, तंग हो जाना है। ठीक है ना, आप इसी तरह इसको पूरे को बनाते जाओ। ये तो अभी बैक साइड है, ऐसे जब हम फ्रंट पे आएंगे तो फिर हमने बटन होल भी करने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने इस साइड से यहाँ से बनाना शुरू किया था और उसको सीते सीते ये ऐसे सारा सारा मैंने बना दिया और यहाँ मैंने फिर बटन होल शुरू कर दिए। मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने गैप से शुरू की। इसी तरह फिर ये दूसरी साइड से मैंने बनाने हुए ऐसे सिलाई करते चली गई और ये दोनों को मैंने आपस में सी लिया। ये मेरे से गलती हुई क्योंकि मुझे खुद से अंदाजा लगाना था कहाँ मैं बटन हो रखूँ, तो फिर मैंने इसको सी लिए।
यानी कि एक साइड जो इधर ऐसे थी, इस साइड पे ऐसे थी, तो मैंने उसको ऐसे इन दोनों को सी लिया। और ये देखिए, अब ये मैं सारा यहां तक सी लूंगी, ये पूरा जब सी लूंगी, और यहां ऐसे बच्चे का हेड आएगा, और ये ब्लैंकेट ऐसे ऊपर से आके ऐसे यहाँ बटन लगेंगे, यहाँ बटन ऐसे, और यहाँ बच्चे का हेड होगा और ये बंद होगा। यहाँ से हम बटनों से बंद कर देंगे बटन। ये जब मैंने यहाँ से, ये देखें, यहाँ से स्वेटर, यहाँ से ब्लैंकेट बनना शुरू हुआ था ना, यहाँ से जब मैंने ये 30 इंच तक हुआ, ये 30 इंच, यहाँ जब ये 30 इंच हुआ तो मैंने पहला बटन होल बनाया। ठीक, जब ये यहाँ से 30 इंच तक ये पूरा ब्लैंकेट लंबा हो गया, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ 45 थी, 45 इंच थी, ठीक है ना। उसके बाद मुझे इसके हर 3 इंच के बाद मैंने एक एक, हर 3 इंच के बाद एक, 3 इंच के बाद मुझे एक एक बटन होल बना लिया, दो तीन। अगर आप देखते हो तो इस 3 इंच के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 के बाद एक एक बटन होल बना है। और वैसे इनको अगर देखते हो तो ये तकरीबन 3 इंच पे बना है, ये देखिए 3 इंच पे बना है। ठीक है, इस तरह बनाते बनाते मैं 1 2 3 4 5 मेरे बटन होल हुए हैं। टोटल इसकी लेंथ थी 45 इंच। ठीक, तो अब हमने, मेरे साथ मसल प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब मैं यहाँ से पूरा ही इतना चौड़ा बॉर्डर बिलू बनाना चाहती थी ना, ताकि वो अच्छा लगता, लेकिन अब मेरी बिलू वूल हो गई है ख़त्म। यानी कि जब ऐसे पहन के, जब मैं इसको ऐसे करती ऐसे, तो मेरा इतना चौड़ा बिलू आना चाहिए था, तो वो नीट अच्छा लगता ना, प्रीटी लगता, लेकिन मेरी बिलू वूल इतनी रह गई, सारी ख़त्म हो गई है। ये तकरीबन 50 ग्राम से थोड़ी सी लेस थी, अगर 50 ग्राम 60 होती तो ये चलती। तो अब इसका हल कुछ सोचना पड़ेगा, इतना मैंने इस पे हार्ड वर्क किया और एंड पे आके मैंने, अब ये है कि इतनी वूल से मैं ये कोशिश करती हूँ, मेरी ये पूरी एक आउटलाइन, एक पूरी एक लाइन बन के नेक्स्ट पे अगर बंद हो जाता है तो फिर उससे ये कि एक हल्की सी ब्लू कलर की आउटलाइन आ जाएगी। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, वो शायद इतनी फिर बैड नहीं लगे। लेकिन आपने ये करना है कि इसका भी मोर 2 इंच और बड़ा करना है बॉर्डर, और एक एक फिर एंड पे यहाँ एक एक यहाँ बटन होल बनाने हैं। जी, ये देखें, मैंने एक सिलाई बना के दूसरी सिलाई पे इसको बंद कर दिया, तो थोड़ा सा कलर आ गया जो कि इतना बैड नहीं है, और ये सारा धागा ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ से फिर मैंने पूरी सीधी सिलाई डाली और नेक्स्ट सिलाई पे सीधा सीधा इसको बंद करती आ गई। तो ये देखिए, आपने लेकिन इसको मोर ऐसे इतना चौड़ा, मोर 2 फिंगर तक आपने इसको बनाना है, तो फिर और यहाँ भी एक एक बटन होल भी बनाना है, तो फिर इसने को बंद करना है। अभी तो मैं ये जो सारे धागे हैं इनको ऐसे प्रो देती हूँ, ये प्रो के काट लूँगी, और इसको, और यहाँ से फिर मैं यहाँ तक सी लेती हूँ इसको, और ये मेरा पूरा ब्लैंकेट बन जाएगा। ये तो मैंने बिलू धागा इधर मेरा जब थोड़ा सा बचा हुआ था उसी से सी लिया, और यहाँ से मैं फिर ये क्रीम कलर के धागे से सीने लगी हूँ। कोशिश ये कीजिए कि पैटर्न से पैटर्न ऐसे मैच हो। इस तरह आपने इसको इधर से एक उठाना है और इधर से, फिर एक इधर से उधर से उठाते उठाते ऐसे इसको बस सीते चले जाना है। और लेकिन जब पैटर्न आए तो इस तरह एक सीएगा कि पैटर्न ऐसे फील हो कि बस वो यहाँ से ऐसे सीम ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो। ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है। ठीक, अब ये सारा ऐसे सीते सीते मुझे यहाँ मिडल तक इसको सी लेना है। ये देखें, मैंने यहाँ से ये सारा सी लिया है, और ये अब ये मेरा, आप स्लीपिंग बैग कह लें, बेबी स्लीपिंग बैग, ये ऐसे रेडी हो गया है। ये
यहाँ बस मुझे थोड़ी सी है कि आई विश के होता, आपने ज़रूर यहाँ बनाने के बाद यहाँ एक बटन होल भी बनाना है, ठीक है ना। और फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे ऐसे इसके बटन भी लगाती हूँ, ये ऐसे 1 2 ऐसे दोनों साइडों पे मैं बटन लगाऊंगी। बटन मुझे इधर इन साइड पर लगानी है, यहाँ ऐसे, ताकि ये बंद हो यहाँ इधर, ठीक। ऐसे दोनों साइडों पे मैं ऐसे बटन लगा के इसको ऐसे, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे देखे बंद हो जाएगी, वो लगाऊंगी। मैं बटन लगाती हूँ यहाँ, पहले मैंने बटन को रखा, फिर मैंने इधर से ऐसे सुई से अंदाज़ा कर लूँगी कि यहाँ पे है, और इधर से ऐसे यहाँ रख के फिर मैं बटन बनाऊँगी। बटन का ये है कि मुझे नॉट पिछली साइड पे नहीं लगानी, मैं ऐसे किया, ऐसे नॉट मैं फ्रंट पे ही लगा दूँगी ऐसे, ठीक। दो दफ़ा करने के बाद, ये देखें, करने के बाद मैं इधर ला के बटन के नीचे मैं नॉट करके ऐसे इसको कट कर लेती हूँ, ताकि पीछे से नॉट इतनी नज़र नहीं आए, ठीक। दो दफ़ा नॉट की, ये और पीछा कट कर दे, थोड़ी सी नहीं जाएगा, ठीक। और अब इसको ऐसे बंद, ठीक, ऐसे, और इधर ऐसे नोट नज़र नहीं आएगी फिर, ठीक है ना। इसी तरह मैं बाकियों को भी लगा लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने दोनों साइडों पे बटन लगा लिए, ये देखें। उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और फिर किसी और वीडियो में मिलती हूँ। उतनी देर के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।